जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने में यूज होते हैं कीवर्ड, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनको असाइन करना, किस तरह से इनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं और अगर हम दोबारा वैल्यू असाइन करते हैं तो क्या क्या एरर आती हैं। तो इनकी रिगार्डिंग जो भी बेसिक डिफरेंस है आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट वेरिएबल कीवर्ड, इन तीनों कीवर्ड में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इन जावास्क्रिप्ट वी कैन डिफाइन वेरिएबल इन थ्री वेज। सबसे पहले बाय यूजिंग वेर कीवर्ड, बाय यूजिंग लेट कीवर्ड एंड बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ये तीन तरीके हैं जिनका यूज करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। अब फ्रेंड्स चलिए इनके सिंटैक्स को देख लेते हैं कि किस तरह से हम कीवर्ड का यूज करेंगे और वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे वेर कीवर्ड की। तो सबसे पहले वेर कीवर्ड में अगर आप वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे वेरिएबल में वेर कीवर्ड, यानी सबसे पहले आप वेर कीवर्ड लगाएंगे, देन वेरिएबल का नेम लिखेंगे। नेम लिखने के भी राइट और रॉन्ग तरीके होते हैं जिनको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। देन इसके बाद इक्वल साइन लगाएंगे एंड वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेंगे। इसके बाद सेमी कॉलम लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक वेर नाम का अपना कीवर्ड यूज किया, वेरिएबल का नाम मैंने ए रखा, उसमें शिव नाम की स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो जब भी मैं ए नाम यूज करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, शिव मिलेगी। तो इस तरह आप वेर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे दूसरे कीवर्ड लेट कीवर्ड की ओर। फ्रेंड्स ये रहा इसका सिंटैक्स। सबसे पहले आप लेट कीवर्ड लिखेंगे, देन वेरिएबल का नाम लिखेंगे या वेरिएबल का नाम देंगे, इक्वल साइन के बाद उसकी वैल्यू, देन सेमी कॉलम। ये रहा इसका एग्जांपल। सबसे पहले मैंने लेट कीवर्ड यूज किया, बी उसका नाम दिया, यानी वेरिएबल का नाम क्या मैंने दिया, बी। उसमें एक नंबर टाइप की जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसको मैंने स्टोर करा दिया, देन सेमी कॉलम लगाया। तो ये हमारा लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को नाम इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे कीवर्ड की। फ्रेंड ये रहा इसका सिंटैक्स। सबसे पहले आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम एंड जो भी उसकी डेटा टाइप की वैल्यू होगी, जो भी आप इसमें वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं वो वैल्यू स्टोर कराएंगे, देन सेमी कॉलम लगाएंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन तीनों वेरिएबल के जो कीवर्ड हैं इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने वेर कीवर्ड लिया, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका, सबसे पहले वेर कीवर्ड लिखेंगे, देन वेरिएबल का नाम जो मैंने एक्स दिया, इक्वल साइन लगाया और इसकी वैल्यू स्टोर की सेव, सेमी कॉलम। लेट कीवर्ड में सेम इसी तरह यूज किया, सबसे पहले लेट लिखेंगे, वेरिएबल का नाम एक्स है, इक्वल साइन लगाया, इसमें वैल्यू स्टोर की सेव, सेमी कॉलम। कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यानी कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया, यानी कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज करके अगर हम वेरिएबल देना चाहें तो सबसे पहले कॉन्स्ट लिखा, वेरिएबल का नाम एक्स है, इक्वल साइन लगा करके इसमें वैल्यू स्टोर कर दी जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स में आ रही है, इसे आप सिंगल कोट्स का यूज करके भी लगा सकते हैं या सिंगल कोट का यूज करके लिख सकते हैं, देन सेमी कॉलम। इसके बाद फिर से मैंने वेर कीवर्ड का यूज किया एंड एक्स जो हमारा वेरिएबल पहले से ही डिक्लियर था उसको मैंने रीडिक्लियर कर दिया, अब इसमें वैल्यू स्टोर करा दी राज। ठीक है, वेर कीवर्ड में हम वैल्यू को या हमारी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को वेर कीवर्ड का यूज करके दोबारा रीडिक्लियर कर सकते हैं, बट लेट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर लेट का यूज करके आप उसी सेम नाम को जो कि पहले से ही डिक्लेयर किया जा चुका है उसको आप फिर से अगर रीडिक्लेयर करते हैं तो वहाँ हमें जावास्क्रिप्ट में एरर देखने को मिलेगी। तो यही बेसिक डिफरेंस था वेर और लेट में कि वेर कीवर्ड का यूज करके आप सेम वेरिएबल के नेम को जो पहले से ही डिक्लेयर है उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बट लेट में ऐसा नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे हमारे बेसिक डिफरेंस में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप x को फिर से वैल्यू असाइन करते हैं यानी x इक्वल बिपिन कर देते हैं वैल्यू में, तो
तो आप वेयर कीवर्ड का यूज करने से उसमें आप कर सकते हैं, उसमें वैल्यू को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। हमारे लेट के केस में भी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। पहले मैंने एक एक्स की वैरी यानी एक्स नाम के वेरिएबल में शिव नाम की वैल्यू को स्टोर कराया, तो अब मैं अगर एक्स को फिर से लिख दूँ, इसको जो है इसमें शिवम नाम की वैल्यू स्टोर कराऊँ, तो लेट में ऐसा हम कर सकते हैं बट कॉन्स्टेंट में ऐसा नहीं कर सकते। तो यही बेसिक डिफरेंस था तीनों के बीच में। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि आपको इन तीनों वेयर, लेट और कॉन्स्टेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस पता चला हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन। थैंक यू सो मच।